नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। आज मैं आपको एक आदिवासी लड़की का ऐसी दास्तां बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे पास एक गुड़गांव से फ़ोन कॉल आया था जिसके द्वारा मुझे बताया गया कि उसने सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड के बांकी गांव की एक आदिवासी लड़की से शादी की थी। वो फिलहाल भाग गई है और यह शादी भी एक जाट लड़के यानी कि एक पंजाबी लड़के से हुई थी। कैसे हालात में शादी हुई थी जिसे आगे आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। चलिए आपको मैं पूरी कहानी विस्तार से बताता हूँ। एक आदिवासी लड़की जो कि सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड अंतर्गत बांकी गांव की रहने वाली है, वो दिल्ली काम करने के लिए गई हुई थी, जहां से वो गुड़गांव चली जाती है, जहां उसका संपर्क एक लड़के से होता है जिसका नाम पप्पू कुमार है। वो उसके साथ लगभग 8 महीने तक रहता है, मगर आदिवासी लड़की को नशे की लत लग जाती है। वो हर दिन हर तरह के नशा करने लगती है। कुछ महीने पहले वो नशे की हालत में रोड पर पड़ी हुई दिखाई दी, तब उसे अमित पाल नामक पंजाबी व्यक्ति ने उसे अपने साथ रख लिया और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी, जिसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। मगर उसे नशे की इतनी ज़्यादा बुरी लत लग चुकी थी कि वो हर समय नशे में रहने लगी और अचानक 3 महीने बाद जो है साथ रहने के बाद पप्पू के साथ चली जाती है। अमित ने बताया है कि पप्पू उसको इंजेक्शन देता है, नशे करवाता है और देह व्यापार भी करवा रहा है, यानी कि एक आदिवासी लड़की बुरी तरह से गुड़गांव में फंस चुकी है। चलिए बात करते हैं उस व्यक्ति से जिससे द्वारा जो है हमें ये पूरी जानकारी मिली है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार पाल। कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं इस समय गुरुग्राम से बात कर रहा हूँ, गुरुग्राम हरियाणा से। हरियाणा से, अच्छा, क्या मामला हुआ है? सर, ये मामला इसलिए मामला सर ये हुआ कि मेरी ये वाइफ है, मेरी वाइफ को एक लड़का जो है वो लेकर जो है रघु चक्कर हो गया। वो लड़का जो है वाइफ का नाम अलका रानी सुरीन। कहाँ की रहने वाली है वो? ये है, रहने वाली है झारखंड की रहने वाली है, गांव है इसका बाकी, थाना है बानो। अच्छा, तो ये लड़की से आप कैसे शादी किया और कैसे मुलाकात हुई उससे? इस लड़की से मेरी सेक्टर 21 में मुलाकात हुई थी। ये नशे की हालत में थी, बहुत बुरी हालत में थी सर ये। जब मेरी से मुलाकात कब? ये 12 या 13 मई को। इसी साल में। ओ, किसके घर में नशे की हालत में थी ये? ये जो है रास्ते में मिली थी मेरे को, रास्ते में नशे की हालत में थी। हाँ। अच्छा, फिर मैंने मैं नशे की हालत में थी, तो फिर इसको बहुत ज्यादा हालत में, तो फिर इसको लेकर आया फिर मैं। अच्छा, फिर मैं अपने रूम तक लेकर आया। फिर रूम तक लेकर आया मैं इसको अपने तक, फिर इसको सेफ्टी दी इसको, सबको अगले दिन जो सब बातचीत हुई सब कुछ बताया। हाँ। तो फिर और लोगों ने बोला कि ऐसे बात है, इसने बोला, इससे भी समोर भी लोग थे तो उन्होंने बोला, तो हमने दोनों की रजामंदी से शादी कर ली हमने। कितने तारीख को शादी हुई? 15 मई को। ये जो फोटो दिख रहा है वही है और आप हैं वो? सर, मैं हूँ सर। तो शादी करने में उसकी रजामंदी थी? सर, रजामंदी हम तो पहले थाने गया था ना पहले तो मैं। अच्छा, थाने में आप पहले नशे की हालत वाली सारी बात बता दिए? सरोज एसआई है ना यहाँ पर। अच्छा, सेक्टर 21 ढूंढाखेड़ा गुरुग्राम की जो एसआई थाने की। हाँ हाँ। मैं हम पहले समय तो पहले थाने गया था मैं, ताकि भैया कल को कोई बवाल हो, कोई कल को ये ना कहे। हाँ। कि कोई मतलब जबरदस्ती कर दी इसी रात में। तो अलका ने आपको क्या क्या जानकारी दी उसके बाद, जैसे नशे में थी उसके बाद होश में आने के बाद? उसमें आने का मैंने बोला कि मैंने पहले पूछा मैंने कि भैया क्या क्या करते हो, कैसे करते हो, ये क्या कहानी है आपकी ये, और आप जो है कि आप इस गंदगी में। उन्होंने बताई ऐसे ऐसे बातें, मैं वहाँ रहा करती थी, सेक्टर 18 में रहा करती थी मैं, और वहाँ एक लड़के के साथ रहा करती थी मैं। हाँ। रहा करती थी, वो जो है मेरे को उसके साथ में रहा करती, वहाँ से मैं आई थी कहीं और से, और वहाँ पे उस लड़के ने मेरे को साथ में रखा था, बहुत सालों से रख रहा था मेरे को। तो कहाँ का लड़का था वो और क्या नाम है उसका? उसका नाम है पप्पू कुमार, उसको नाम है, उसका आईडी का नाम तो मुझे भी नहीं मालूम, पप्पू कुमार बोलते हैं गांव में, पप्पू बोलते हैं उसको। कहां का रहने वाला है वो? ये है जिला सीतापुर, थाना महोली, गांव कृष्णापुर का रहने वाला है ये। तो अलका के साथ उसका संपर्क कैसे हुआ था? संपर्क मेरे से टच में आने से पहले ही था, वो मेरे टच में आने से पहले उसी के अंडर में रहा करती थी वो। अच्छा, उसी के अंडर में। हाँ, मेरे को बहुत बाद में मिली है। अच्छा, जो नशे की हालत में मिली आप बताए, उसके बाद थाना में कन्फर्म दिए, उसके बाद आप लोग शादी किए, तो शादी को लेकर वो क्या बोल रही थी अलका, मतलब राजी थी आपसे शादी करने के? हाँ, राजी तो थाने में गए थे, मैं तो अपनी शादी। अच्छा। मैं तो अपनी शादी रजिस्टर करवाने से रजिस्टर करवाना चाह रहा था मैं। अच्छा, लेकिन तो वही डिले करती रही मेरे को, अरे कर लेना कर लेना। कितना महीना साथ में रहे आप अलका के साथ? 3 महीने 5 दिन। अच्छा, तो फिर अभी कहाँ चली गई वो और कैसे गई? वो वही है कि 19 तारीख को मैं अब
वो नशे की हालत में रहा करती थी, मैं ऐसे बड़े परेशान था, मैं समझा समझा के परेशान रहा करता था, मैंने बहुत समझाता था नहीं मानती थी। तो 19 तारीख को मैं घर ले जा रहा था, 19 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन मैं घर ले जा रहा था उसको। मैंने कहा था कि आप एक काम कीजिए, घर चलिए, आप घर चलिए, यहाँ पे आपकी हालत सुधरेगी नहीं, और आप जो नशे की हालत में बहुत ज्यादा हो गए, और आप घर पे रहोगे तो शायद कंट्रोल में हो जाओगे, मम्मी के पास रहोगे, पापा के पास, मैं देवराज, मेरा भाई देवर, सब लोग रहेंगे तो आप कंट्रोल में आ जाओगे। तो थोड़ी बहुत हस्बैंड वाइफ है भैया, वो नशे की हालत में थी, थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हो ही जाती है सर। अच्छा अच्छा, थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई थी, और उसका जो पहले वाला जो फ्रेंड था जिसे बचा के लाया था, जो ब्रोकर दल्ला जिसको बोलते हैं, वो ही मौका देख के चौका मारा। वो कैसे आया, कहाँ से आया, वो मुझे पता नहीं, अगले दिन था नहीं, मैं अपने काम से गया, काम से गया। अच्छा। गई मैं तो जैसे हाँ जैसे वो ले गया, वो मतलब अब वो निकल गया। मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं गुड़गांव में ढूंढ रहा हूँ, दिल्ली में ढूंढ रहा हूँ, बॉर्डर पे, सर बॉर्डर पे रहता हूँ। अच्छा अच्छा, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे ही रहता हूँ मैं। ये क्या नशा करती थी ये अलका? ये मैं दिल्ली, क्या नशा करती थी अलका? ये जो नशा करती थी उसका ड्रिंक का तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, ड्रिंक का तो मैंने आंखों से देखा था, इंजेक्शन वगैरह के बारे में तो इन्होंने मुझे बताया भी है। किसने बताया इंजेक्शन के बारे में, नशे का इंजेक्शन? हाँ, अलका ने, मतलब नशे का इंजेक्शन। अच्छा, अच्छा क्या बताया? इंजेक्शन वगैरह लगाया कर, इंजेक्शन वगैरह लगा लगाता था, नशा करता था, वो होता है ना स्नैक अफीम जो होता है ना। अच्छा, ड्रग्स ये ड्रग्स वगैरह के जो थी ना, वो सब वो बताया करती थी। ये अलका क्या काम करती थी, अपने बारे में क्या बताई जब शादी हुई आप लोग रहे तो? मुझे बताया करती थी कि मैं पेशेंट केयर थी, पेशेंट केयर हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में तो एक्चुअली वो काम करने के लिए वो गई हुई होगी ना, उसके बाद किसी उस लड़के के साथ संपर्क में आई, मतलब पेशेंट बताया तो करती थी कि मैं काम करने गई हुई थी, फिर मैं यहाँ पे राजीव चौक पड़ता है गुड़गांव में, राजीव चौक पर आके उस लड़की के टच में आ गई, उसने अपने अपने साथ मेरे को वो घर ले गया। अच्छा अच्छा, और लड़का तो वहीं कहीं रहने वाला है, लोकल लोकल मारा लड़के को तो मैं, और लड़का को भी आपने मार दिया? मारा पर जान से नहीं, हाथ से मारा उसको तो। अच्छा, कब मारा, मतलब आप ढूंढ गए? ये मारा है मैंने, 15 मई को शादी हुई थी, उसके बाद 7 दिन के बाद या 6 दिन के बाद तो ये जो है गई थी, कह रही थी, कहती मेरे डॉक्यूमेंट जमा है, मेरे डॉक्यूमेंट है, मेरे कागजात है, मेरे ये है, मेरे वो है, सारी चीज जमा है मेरी। 15 मई को तो मैं खुद ही गया था उसके घर पर, बताया करती मेरे ये कागज है, मेरे ये कागज है, बताया करती थी ना, बता तेरे कागज निकलवा के लाता हूँ, तुम्हारे कागज निकलवा के लाता हूँ आज मैं। अच्छा, ताला लगा था उसके घर पर, फिर एक हफ्ते बाद वो फिर गई कागज लेने के लिए, उसको मैंने चली कोई बात नहीं आ जाएगी, अपना मोबाइल दे रखा था उसको मैंने, अपने नाम से सिम निकलवा के दे रखी थी उसको मैंने। अच्छा, एक बात बताइए, ये काम करने कहाँ गई थी, मतलब गुड़गांव में ही काम कर रही थी पहले? नहीं, पहले बताती थी कि बताया करती थी कि मैं दिल्ली में काम करती थी, उसके बाद फिर बताया करती थी कि मैं गुड़गांव आ गई। अच्छा, सिकंदरपुर में। अच्छा, दिल्ली के बाद गुड़गांव आई, गुड़गांव के बाद उसके संपर्क में आई। हाँ, बताया करती सिकंदरपुर में आ गई मैं। तो अभी लड़की का क्या अपडेट है, कहाँ पर है, और आप? अभी अपडेट जो है, मैं पिछले संडे की तक बता सकता हूँ मैं। अच्छा, क्या अपडेट है? पिछले संडे को सीतापुर में थी। अच्छा, ये संडे को सीतापुर में थी। किसके साथ थी? पप्पू के साथ में। अच्छा, हाँ, पप्पू के साथ, पप्पू कुमार जो नाम है उसका, लड़के का फोटो भी आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ अभी मैं। अच्छा, क्या आप तभी बता रहे थे जैसे कि किस हालत में थी, बता रहे थे ना? वो नशे की हालत में रहती है। अच्छा, दिन रात नशा करती है? अरे सर जी, मैं तो भाई गुरु जी सौ बाबा नानक की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं तो खुद परेशान हो गया था, मैं पर्स आके पकड़ा देता, वो सुबह सुबह 5 बजे आके दारू पीने लग जाती। तो उसको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, उतना नशा करने का पैसा कहाँ मिल रहा है? वहाँ तो वो पिला रहा है ना, वहाँ तो उसको। अच्छा अच्छा, वहाँ तो वो पिला रहा है, यहाँ पर मैं तो भैया आता तो अपना काम वॉलेट देता था मैं, जब काफी दिन देखा मैंने, हफ्ते 10-12-15 दिन देखा मैंने, ये तो पर्स दे के बहुत दिक्कत हो रही है इसको तो। तो आप तभी ये भी बता रहे थे कि जैसे उसके साथ मतलब गलत तरीके से कुछ मतलब ये धंधे वगैरह करवाए जा रहे हैं? नहीं, धंधा तो ये बात तो
5000% बताया मेरे को। अच्छा 5000% बताया, 5000%, क्योंकि ये बात बात धीमे धीमे करके जब निकल कर निकलती रहती है ना बातें, जब मैं जब खोजबीन करता हूँ ना मैं, तो निकल कर आ रही है कि ये सेक्टर 18 जो गुरुग्राम का क्षेत्र है, सरहौल एक गांव है, वहां पर ये रहती थी, वहां पर वो लड़का इसको धंधा करवाता था इसको। अच्छा एजेंट के रूप में। अच्छा। फोन आया। अच्छा। फोन आया वही भेज दिया उसको उस तरीके से। उस तरीके। तो अभी कभी एक बार आप मतलब बातचीत की है परिवार वालों से लड़की का? मैंने अरे उसी चक्कर में तो मैं उसी चक्कर में तो मैं भटक रहा हूँ, उसी उसी तो फोन पे फोन सबको फोन पे फोन मिला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो पहले बातचीत क्या बोलते थे वो परिवार वालों के बारे में, मलका क्या बताती थी? बताती थी कि मेरे मॉम डैड एक्स मेरे मॉम डैड जो है एक्सपायर हो गए, मॉम डैड एक्सपायर हो गए। कभी कहा करती थी कि सौतेली माँ ने मरवा दिया। हाँ हाँ, मैं छोटी थी मैं कभी कहती थी कि मुझे कि मेरे ब्रॉयड को सौतेली माँ ने मॉम को सौतेली माँ ने मरवा दिया। कभी क्या करती थी मेरे को, कभी कहती थी कि मेरा एक प्यार था प्यार को मरवा दिया। अब सच्चाई क्या हो तो मैं भैया वो तो रब जानता है, मैं की जानता हूँ। अच्छा अच्छा, प्यार को कौन मरवा दिया, मतलब अलका का प्यार को कोई मरवा दिया? अच्छा, तब जाके वो बाहर निकली ऐसा है? हाँ, वही अपनी बताती थी। फिर मैं वहां से चली आई वहां से गाँव से। अच्छा अच्छा, तो मैं तो कहा करता था अगर आपके प्यार के साथ में यार आपके साथ में गलत हुआ है तो एक मैंने आपकी अगर देखो मैंने एक शादी से पहले एक बात बोली थी। देखो मैं हूँ जट, पंजाबी जट होते हैं ना, जो धर्मेंद्र सन्नी देओल है ना, जो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जानता हूं। मैं जट हूँ, मैं उससे बोला कि अगर मेरा हाथ फड़ना है तो छड़ना नहीं, मैं हाथ अगर पकड़ूंगा तो छोड़ूंगा ना जिंदगी भर, सोच समझ के हाथ पकड़ना मेरा, पहले सोच लो पहले समझ उसके बाद ही निर्णय लेना। तभी उसका फैसले, अब जब उसके जब सोच समझ के निर्णय लिया मैंने, उन्होंने लिया। अब सर आप बताओ कैसे हाथ छोड़ूं उस लड़की का? तो अभी आप क्या चाहते हैं, आपका मतलब क्या डिसीजन है, क्या चाहते हैं अभी? मैं तो ये चाहता हूँ, पहला डिसीजन तो ये चाहता हूँ कि वो लड़की अपने घर पहुँचे, फिर मैं उसके घर खुद जाऊंगा मैं। अच्छा, आप चाहते हैं लड़की मतलब घर पहुँच जाए सही सलामत, फिर मैं उनके माँ बाप के पास खुद जाऊंगा मैं। माँ बाप के पास खुद जाऊंगा, वहाँ जाके बात करूंगा मैं कि मैं अलका को अपने साथ रखना चाहता हूँ। और सामाजिक रूप से जो कुछ हुआ वो गलतियां सबसे होती हैं। हाँ हाँ, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन मैं आप जो मैंने अपने गुरु की वाणी को निभा रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ अलका जो है सही सलामत अपने घर पहुंच जाए, उस लड़के के चंगुल से छूट जाए, उसके बाद मैं अलका के घर झारखंड में गांव खुद जाने को तैयार बैठा हूँ। तो अभी अलका कैसे वापस आएगी, क्योंकि अलका तो जैसे आप बता रहे हैं कोई लड़के के चंगुल में है अभी भी और नशा ले रही है। सर देखो मैं अगर लेने गया था तो उसने मना कर दी, वो कह रही मैं तो उसके साथ रहूंगी, तो पुलिस वाले ने बहुत समझाया, लेकिन लड़की की रजामंदी है तो मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरी कमजोरी कहाँ फंस रही थी कि मेरी शादी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई थी। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं फैमिली शादी फैमिली शादी हुई थी, रजिस्टर्ड नहीं हुई, वो फैमिली शादी हुई है ना। क्योंकि मेरे माँ बाप ही नहीं थे यहाँ पर। तो अलका ने क्या जवाब दिया आपको जब आप उसको लेने गए थे रूम पर जहाँ पे लड़का रहता है उसके साथ में, तो क्या जवाब दी उसने पुलिस के साथ? कह रही थी कि मैं इसके साथ रहूंगी। अच्छा, तो पुलिस वाले ने बोला शादी कर ले, शादी नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा, शादी नहीं कर रही। तो फिर आपके साथ क्यों शादी करने के लिए राजी हो गई, जब इसके साथ ही रहना था तो क्यों ऐसे हो गई? नहीं वो रहना नहीं चाहती थी उसके साथ में। अच्छा, मेरे साथ में जाते उसके उसका उसके ड्रिंक करा के उसका ब्रेन वॉश किया गया। अच्छा, ब्रेन वॉश किया गया है। अब वो ये कि जिस आदमी को यहाँ तो शराब मिलती नहीं थी, तो मैं खुद शराब नहीं पीता। और शराब उसको शराब यहाँ मिल रही है तो समझ सकते ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जब तक इसके माँ बाप हो, जब तक इसका परिवार हो, मैं खुद सीतापुर मैं खुद जाऊंगा और एड्रेस बताऊंगा किस एड्रेस पे उसके माँ बाप का, सब एड्रेस सब मैं दूंगा कहाँ पर रहता है बंदा वो। अच्छा अच्छा, लेकिन इसके माँ बाप के नंबर चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, खर्चा ही मैं सारा मैं कर दूंगा। मतलब आप चाहते हैं बस परिवार वालों से बातचीत को, वो सकुशल परिवार के पास लौट आए और उसके बाद आप आके परिवार वालों से बात करेंगे। फिर मैं अपने परिवार को लेकर आऊंगा। ये क्या बोलती थी नशे के बारे में, वो क्या बोलती थी, उसको आदत कैसे हुई, क्या हुआ था, कुछ तो बताई होगी। ये तो बताती थी कि मेरे माँ बाप एक्सपायर हो गए और इसके चक्कर में नशा करना सीख गई थी मैं। अच्छा, बता दी नशा करने लगी थी यहाँ पे आके मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े हादसे हुए और मैं इस चक्कर में और मैं नशा करने लगी, लेकिन जब धीमे धीमे करके और मैं कहीं रहता हूँ ना मैं और कहीं से मुझे मैं कहीं ना कहीं खोज निकालता रहता हूँ ना मैं,
अब 1 महीने से काम ही नहीं कर रहा तो मैं तो जब से वो गई है ना तो काम कहाँ कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ कभी यहाँ इस थाने कभी उस थाने कभी सीतापुर में मैं तो बराबर ये काम कर रहा हूँ बराबर में। अच्छा वो लड़के के साथ कितना महीना थी वो कितना लगभग? उस लड़के के साथ देखो मेरे को मैं झूठ में बोलता नहीं सच बोलता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं लेकिन बताने वाले बताते हैं जो वहाँ हम गए थे 8 महीने रही है। अच्छा 8 महीने रही है ना। हाँ अभी तो वो घर पे ही लड़के के घर पे ही है वहीं पे। हाँ पिछले हफ्ते तक पिछले संडे तक तो थी। तो उसके उसके परिवार वालों का क्या कहना है इस पर, उसके घर पे है वो? परिवार वाले तो उसकी माँ है, जो माँ की माँ उसकी जो एजेड वो तो सरोल में ज्यादा बोल रही थी। अच्छा तब पुलिस वालों ने हड़का माता साइड लेडीज कॉन्स्टेबल थी ना उसे हड़का के साइड किया उसने। मतलब उसका परिवार वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है? एक्सेप्ट नहीं कर रहा सर जी, अभी सबूत नहीं कि प्रूफ नहीं है, प्रूफ इज नॉट अवेलेबल माय हियर। अच्छा अच्छा प्रूफ नहीं है मगर जानकारी पूरी है मेरे को क्योंकि मैं लिंक लगाता रहता हूँ, आपको पता नहीं, आपको पता नहीं मेरे बारे में। अच्छा कहीं ना कहीं लिंक लगाता रहता हूँ और पूरी पूरी जानकारियां मिल रही है कहीं ना कहीं से मेरे को, ये जो है पप्पू जो है धंधा कराता है इसको। अच्छा मतलब उसके अलावा भी और कोई है क्या, वो उसके जहाँ धंधा करवा रहा है उसमें और भी कोई शामिल है क्या लड़की यहाँ की, बस उसको करवा रहा है? सर उसके बारे में जानकारी मेरे को नहीं है। अच्छा लेकिन उससे मतलब नशा भी करवा रहा है और उससे धंधा भी करवा रहा है सर? वही उसका सर एक बात है सर, उस लड़की को जब मेरे पास वो लड़की यहाँ रहा करती थी, एक बार मैं किसी से बात कराता हूँ आपकी, एक लेडीज से बात कराता हूँ, यहाँ पे रहा करती थी सर जी